सबको मैं इकट्ठा करके गिराकर आज चीनी का सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से दाल जो है ले लिया है, तो इनको मैं सिंपल हल्दी नमक और पानी डालकर उबाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है हल्दी नमक और दाल, सिर्फ इनको मैं पका लूँगी अच्छे से। तो ये दाल जो है कुछ इस तरह से पक गया है, मुझे इसका नाम मालूम नहीं है इसको क्या कहते हैं, पर इसको मैं सफ़ेद राजमा बोल सकती हूँ या क्या, ये इस तरह से पक गया है। ये फ्रेंड यहाँ पर जो है मैंने झिंगनी ले लिया है साफ़ करके, और यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है, मैं थोड़ा सा ही तेल यूज़ कर रही हूँ। और झिंगनी जो है इसको मैं अभी फ्राई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पाँचफ़ोरन और ये सूखा मिर्चा और प्याज। तो ये फ्राई हो गया है, अब इसके बाद मैं ये डाल दे रही हूँ झिंगनी। ये जो है जैसे ही पकते जाएगा ये कम होते जाएगा, तो ये थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में रहेगा। तो देखिए फ्रेंड ये जो है कुछ इस तरह से पक गया है।
तो अब इसको मैं बाहर कर लूंगी। ये ले रही हूँ मैं थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना। तो अब ये फ्राई हो गया है और यहाँ पर लिया है मैंने दो सूखा हुआ मिर्चा और एक प्याज जो कि कट करके। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है ये दाल है और यहाँ पर जो है ये सब्जी है। और अब यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल दे रही हूँ ये सब्जी पर, ये फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत ही लाजवाब सब्जी बनने वाला है। तो अब जो है ये फ्राई हो गया है, यहाँ पर डाल दे रही हूँ मैं टमाटर। सिंपल से सिंपल सब्जी को भी हम लोग घर पे अच्छे से और मसालेदार सब्जी और टेस्टी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। और जिस किसी को भी अगर इस तरह से सिंपल सब्जी का टेस्टी रेसिपी खाना हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कोई भी कुकिंग का ब्लॉग हो आपके पास चला जाए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है ये मसाला पूरा ही फ्राई हो गया है, तो इस पे डाल दे रही हूँ मैं ये दाल। तो अब जो है मैं यहाँ पर ये सब्जी भी डाल दे रही हूँ झिंगनी का। देखिए फ्रेंड, हम लोग किस तरह से आइडिया लगाकर सिंपल सब्जी को मज़ेदार सब्जी बनाकर खा सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा टाइम उबाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, झिंगनी का सबसे मज़ेदार सब्जी कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग। तो अब जो है ये पक गया है, तो इसको मैं बाहर कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, झिंगनी का सबसे मज़ेदार सब्जी जो कि बहुत ही टेस्टी स्मेल आ रहा है और बहुत ही हेल्दी सब्जी बना है सिंपल झिंगनी का। तो आज का लंच कुछ इस तरह से है आज का सब्जी। तो देखिए फ्रेंड, आज का लंच कुछ इस तरह से बनाया है। यहाँ पर चावल और यहाँ पर अंडा फ्राई और ये रहा झिंगनी और दाल का सब्जी जो कि कुछ इस तरह से। तो आज का थाली कुछ इस तरह का है, झिंगनी का सब्जी जो कि दाल और सब्जी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है। प्याज